हे गाइस, वेलकम बैक टू रेडिनेट। तो गाइस, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस आपको पिक्सार्ट में एचडी में फोटो कैसे सेव करना है। तो गाइस, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत से लोग इसके लिए कमेंट कर रहे थे कि भाई पिक्सार्ट में एचडी में फोटो कैसे सेव करते हैं। तो गाइस, आज की मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो गाइस, अगर अभी हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड गाइस, आप लोगों को पिक्सार्ट का अगर मॉडर्न वर्जन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा आईडी के, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपने फाइल मैनेजर में और उसमें आपने फ़ोन स्टोरेज खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे फ़ोन स्टोरेज है 10 GB खाली है, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है पिक्सार्ट का फोल्डर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पिक्सार्ट का फोल्डर, तो आपने इसको डिलीट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप इसको डिलीट कर लेना, और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद से आप देखना आपका फ़ोन स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा। तो देखिए, हमारा 1 GB यहाँ पर खाली हो गया। और उसके बाद से गाइस, हमें अपना पिक्सार्ट ओपन करना है। तो जो कि गाइस इस तरह का आपका कुछ इसका इंटरफेस दिखेगा। तो आपने सिंपली साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद से ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने सेटिंग पर जाना है। और यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद से आपने मिलेगा मैक्स इमेज साइज, तो आपने उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर बहुत सारे मेगापिक्सल दिखेंगे, तो आपने इसमें सिंपली 8 MP चूज़ कर लेना है और सिंपली यहाँ से डन कर लेना है, ठीक है। और डन करने के बाद से बैक चले जाना है और फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ से गाइज, आपने अपनी फ़ोटो को एक ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज, हमने अपनी फोटो को पिक्सार्ट ओपन कर लिया है। तो देखिए गाइज, हमारी फोटो काफ़ी ज़्यादा फट रही है, मतलब जूम ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसाइज पे जाएंगे। और यहाँ पर गाइज, आपने इसको मैक्सिमम रिसाइज करना है, जितना रिसाइज होता है उतना रिसाइज इसको कर देना है। तो यहाँ पर गाइज, हम इसको रिसाइज कर लेते हैं और फिर देखना जूम के, आपकी जूम एबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उससे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से लोग गलती किया करते हैं, यहाँ पर ऊपर में एरो का निशान दिख रहा है गाइज, आप लोग उस पर से जाकर सेव करते हो। यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर सेव कर लेते हो। वहाँ से आपने सेव नहीं करना है, आपने ड्रॉ टूल में चले जाना है और यहाँ गाइज 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेना है। और गाइज, आपने ऐड फोटो का जितना काम करना है यहीं पर करना, तो और ज़्यादा आपकी पिक क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना है। तो गाइज, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना।